बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टोरंट जैसे कुत्ते, अपने महंगाई जैसे कुत्ते पर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर महाअघाड़ी जो हमारी हुई है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, समाजवादी और इधर जो लोकल जो पार्टियां है हमारे से जुड़े हुए हैं, ये हमारी भिवंडी एक साथ में वोटिंग करेगी, बाले मामा की तिवारी बन जाएगी। सबसे पहले तो मैं भिवंडी की लोकसभा का तहे दिल से भिवंडी के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। अभी यहाँ से जो प्रत्याशी है बालिया मामा, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह है आदमी जो तुतारी बजाता हुआ है। तो अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था नीचे, तो एक बीजेपी वाला लिखता है कि एक आदमी को हराने के लिए सारे एक हो गए। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि जब गली मोहल्ले में चोर आता है ना, तो उसको पकड़ने के लिए सारा मोहल्ला एक हो जाता है। और उन चोरों को भगाने के लिए यह सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। और मैं मंच पर विराजमान इंडिया एयरलाइंस के सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों का, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोगों का, एनसीपी के लोगों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का, आम आदमी पार्टी के लोगों का, कि आप लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बालिया मामा यहाँ से जीत पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद और जितनी भी मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तिलक और टोपी वाले, अली और बजरंगबली वाले दोनों एक साथ बैठे हैं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि अली और बजरंगबली को एक साथ देखते हुए जो इन भाजपाइयों का दर्द होगा जानते हैं, जब बेटियों की इज्जत टूटती है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठे हैं तो इनको बहुत दर्द और बहुत तकलीफ होती है। आज बहुत सारे बीजेपी के ऐसे लोग हैं जो आए दिन हमारे भाइयों से मुल्क को छोड़ जाने की बात कहते हैं। भैया मुल्क को क्यों छोड़ दें, ये मुल्क आप लोगों का नहीं, ये मुल्क हमारे बाप दादाओं का है। किस मुल्क के लिए मैंने अपनी जान दे दी, हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। आज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग वोट जरूर करें। अभी बीजेपी वाले बहुत चिल्ला रहे हैं, अब की बार 400 बार 400 बार, इनका बता दूं कैसा 400 बार है। गली में कुर्सी बेचने वाला आता है, उसको देखा होगा वो कैसे चिल्लाता है कुर्सी लेके 400 400, लेकिन बेचारा 150 200 में सिमट कर रह जाता है। वही हाल बीजेपी का होने वाला है, वही हाल होगा, 150 से 180 पर सिमट कर रह जाएगी, लेकिन तभी सिमटेगी जब आप और हम एक होंगे। दिखा दीजिए कि भारत देश की शान क्या है। भारत देश की शान दिवाली और रमजान से है। इस देश के अंदर लोगों से बड़े बड़े सवाल किए जाते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है पूरे देश के अंदर। अरे भैया राम राज्य कैसा होता है एक बार बालिया मामा को जिताइए, फिर वो बताएंगे। जब मैं बालिया मामा से मिला तो एक बात को कहते हुए उनकी आंख में आंसू आ गए। जानते हैं क्या लाइन थी वो लाइन थी मणिपुर की घटना की। वो मेरे से बोले कि जब मैंने मणिपुर की घटना की वीडियो देखी तो मेरी आंख से आंसू आ गए। वो बोले मेरे को चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन मैं चुनाव इसलिए लड़ा ताकि जैसी घटना मणिपुर में हुई वैसी घटना भिवंडी के अंदर ना हो जाए। उन्होंने कहा कि ये बेटियां भिवंडी की नहीं, ये बेटियां बालिया मामा की है और बालिया मामा अपनी जान दे देगा लेकिन भिवंडी की बेटियों का पराज नहीं आने देगा। प्रधानमंत्री अक्सर लोगों से कहते हैं ना कि भैया जिनको नहीं समझ आ रहा पाकिस्तान चले जाए। भैया पाकिस्तान जाने की जरूरत आपको है, क्योंकि बिरयानी तो हैदराबाद की भी फेमस है और मुरादाबाद की भी, लेकिन मोदी जी खाने जाते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जाने की जरूरत मोदी जी को है, हम लोगों को नहीं है। और एक बात आपको बता देता हूँ कि ये चुनाव बेहद ही खास है। ये चुनाव ऐसा चुनाव है, जब हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी ना, तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हो गए। आज आपको दिख रहा होगा मंच पे कि हमारे तमाम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब एक साथ मिलजुल कर खड़े हैं। आज ये चुनाव किसी पार्टी का, किसी जाति का, किसी धर्म, किसी मजहब का नहीं, ये चुनाव देश का है। और एक बात बता दूं, एक बार पागल बनने के लिए अप्रैल फूल,
और बार बार पागल बनने के लिए कमल का फूल और किस तरीके से आप लोगों ने एक भी भाषण, मेरे तमाम मीडिया के भाई भी यहाँ पर खड़े हुए, एक बार भी कपिल पाटिल जो कि आपका दो बार का सांसद है, एक बार भी टोरंटो कंपनी के ऊपर नहीं बोला, नहीं बोला क्योंकि भैया उनके घर टेम्पो पहुंच गया और जिनके घर टेम्पो पहुंच गया वो कहां से बोलेंगे, जो टेम्पो गया है उनके घर पे गया है। आज आप एक बार सोचिए, भिवंडी के लोग जब बीमार होते तो एक ही अस्पताल है, यहाँ पर आईजीएम, कोई दूसरा अस्पताल नहीं है। आधे से ज्यादा लोग अस्पताल में एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ देते हैं, अस्पताल तो पहुंच नहीं पाते। भिवंडी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था कि नवी मुंबई वासी वहां से लोग यहां काम करने आते थे, लेकिन जब से ये कपिल पाटिल यहां से सांसद बनाए अब यहां के लोगों को काम करने के लिए महाराष्ट्र को छोड़िए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। ये हालत बना दी इन लोगों ने इस देश की,